अब अहमद आजमी साहब को सुनना है। अहमद आजमी साहब एक बहुत कोन्हा मश्क शायर हैं और बड़ी सूझबूझ रखते हैं, बड़ी पाए की शायरी है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने बिहारी लाल अंबर को सुना, डंडा बनारसी को सुना, सुनील प्रभाकर जी को सुना, सुना आपने सविस्ता ब्रजेश जी को, पूनम श्रीवास्तव को सुना आपने, इधर आर्यन वाराणसी और अनीता सिंह, रमेश विश्वहार जी को सुना, दिनेश सिंह गुक्कर जी को। अब अहमद आजमी साहब को आप, राजेश प्रताप गढ़ी जी को, अहमद आजमी साहब को सुनिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके, जोरदार तालियों के साथ अहमद आजमी भाई। प्रतापगढ़ की ऐतिहासिक तारीखी एजुकेटेड जिंदा दिन सामेई, हम आपके ज़ौक समाज को सलाम करते हैं। आप शाम ही से बिल्कुल शायरी का लुत्फ ले रहे हैं, एक खूबसूरत माहौल, एक खूबसूरत कवि सम्मेलन चल रहा है। चूँकि मुशायरा देखने वाले और लुत्फ़ उठाने वाले चले गए, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जो जिनसे मुशायरों की ज़िंदगी बाकी है, जिनसे मुशायरे या कवि सम्मेलन चलते हैं, वो लोग यहाँ दिखाई दे रहे हैं प्रतापगढ़ के इस धरती पे। इन लोगों को मैं सलाम करते हुए, मैं बहुत कुछ पेश करने वाला था लेकिन वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं हमारे ये मानव जनसेवा समिति के सौजन्य से जो प्रोग्राम हो रहा है, मैं अपने पड़ोसी के लिए चार मिसरे यहाँ से देना चाह रहा हूँ। आप खुद समझेंगे क्योंकि आप खुद समझदार बैठे हुए हैं। मुलाजा फरमाएं कि हम वहल जहाँ को ये, हम वहल जहाँ को ये तस्वीर नहीं देंगे, तस्वीर नहीं देंगे हम बहल जहाँ को ये तस्वीर नहीं देंगे। खुद अपने बुजुर्गों की तौकीर नहीं देंगे, तौकीर नहीं देंगे। तुम अपने पड़ोसी हो, जो मांग लो दे देंगे, लेकिन किसी हालत में कश्मीर नहीं देंगे, कश्मीर नहीं, लेकिन किसी हालत में कश्मीर नहीं देंगे। क्यों? अब चार मिसरा आप मुलाहज़ा फरमाएं कि टुकड़ों पे हमारे ही तुम सब का गुजारा है, टुकड़ों पे हमारे ही तुम सब का गुजारा है। हर दौर मुसीबत में हमने ही संवारा है, हमने ही संवारा है। किस पल पे अकड़ते हो मालूम नहीं है क्या? अरे जिस मुल्क में रहते हो वो भी तो हमारा है, वो भी तो हमारा है, जिस मुल्क में रहते हो। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हमारी बहन बाजी शबिस्ता भी जैसे बैठी हुई हैं, इस्लाम की परिभाषा आपके सामने रखी कि इस्लाम क्या है, और आपने बहुत मोहब्बतों से नवाजा। मैं उनकी बात को रखते हुए एक मतलब आपकी खिदमत में यहाँ से देना चाहूँगा। मोहब्बत कीजिए सबसे,
मोहब्बत कीजिए सबसे, मोहब्बत कीजिए सबसे, यही तो राम कहते हैं। मोहब्बत कीजिए सबसे, यही तो राम कहते हैं। मोहब्बत कीजिए सबसे, यही तो राम कहते हैं। मोहब्बत के इसी पैगाम को इस्लाम कहते हैं। मोहब्बत के इसी पैगाम को इस्लाम कहते हैं। हाँ इस्लाम कहते हैं। इसे गांधे कबीर आजाद की सब शान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। इसे अमनो अमा और एकता की जान कहते हैं। जो होली ईद मिलजुल कर यहाँ पर सब मनाते हैं। इसी माहौल को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। इसी माहौल को हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं। हिंदुस्तान कहते हैं। जमी मेरी गगन मेरा, ये फूलों का चमन मेरा। जमी मेरी गगन मेरा, ये फूलों का चमन मेरा। जमी मेरी गगन मेरा, ये फूलों का चमन मेरा। जहाँ सब मिल के रहते हैं वही तो है वतन मेरा। जहाँ सब मिल के रहते हैं वही तो है वतन मेरा। वतन के काम आ जाए मेरे खून का हर एक कतरा। वतन के काम आ जाए, वतन के काम आ जाए मेरे खून का हर एक कतरा। मैं इस दुनिया से जब जाऊं तिरंगा हो कफन मेरा। मैं इस दुनिया से जब जाऊं तिरंगा हो कफन मेरा। क्यों अब देखें यहां से, तिरंगा हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे। तिरंगा हम तेरी अजमत कभी घटने नहीं देंगे। कोई भी अंग हो भारत का अब कटने नहीं देंगे। कोई भी अंग हो भारत का अब कटने नहीं देंगे। कसम खा कर ये कसम खा कर ये कहते हैं सभी हिंदुस्तान वाले, अब अपने मुल्क को दोबारा हम बटने नहीं देंगे। अब अपने मुल्क को दोबारा हम बटने नहीं देंगे। हम बटने नहीं देंगे। एक मतलब और शेर और देखें, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं भाई कि मोहब्बत के जो दुश्मन हैं, मोहब्बत के जो दुश्मन है उन्हीं के मन में दंगा है। मोहब्बत के जो दुश्मन है, मोहब्बत के जो
दुश्मन है, उन्हीं के मन में दंगा है। वतन के चाहने वालों के हाथों में तिरंगा है, वतन के चाहने वालों के हाथों में तिरंगा है। अब जाते जाते मैं अपने एक मुआशरे की तस्वीर, कुछ हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, मैं दो तीन शेर और देना चाहूँगा। और बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं कि रौनकें नहीं होती, बहनें यहाँ बैठी हैं, रौनकें नहीं होती, रौनकें 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 नहीं होती, खूबियां नहीं होती, खूबियां नहीं होती, रौनकें नहीं होती, खूबियां नहीं होती, जिस मकान के अंदर बेटियां नहीं होती, जिस मकान के अंदर। और चरित्र बेटों का सुने कि माँ ने अपने बेटों से, माँ ने अपने बेटों से खत में लिख के पूछा है, माँ ने अपने बेटों से फोन करके पूछा है, माँ ने अपने बेटों से फोन करके पूछा है, क्या तुम्हारे धंधे में छुट्टियां नहीं होती, क्या तुम्हारे धंधे में छुट्टियां नहीं होती, बच्चे खेलते हैं अब बैटरी खिलौनों से, बच्चे खेलते हैं अब, बच्चे खेलते हैं अब बैटरी खिलौनों से, आज इनके खेलों में तितलियां नहीं होती, आज इनके खेलों में। वाह वाह। मैं अब जा रहा हूँ अपने कौम की एक तस्वीर, जो आज हम कहाँ थे कहाँ आ गए, दो तीन शेरों में उसके लिए हुक्म हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि इसे सरजमीन भी पेश कर दूं। हम अपने पुरखों का जमाना भूल गए, यहाँ से लेकर पीछे वाले की मोहब्बत है चाहिए। हम अपने पुरखों का जमाना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए, अपनों से हम मिलना मिलाना भूल गए, शहर में आकर गांव का जाना भूल गए, भूल गए, शहर में आकर गांव का जाना भूल गए, गलियां अभी नदियां बनकर बहती हैं, गलियां अभी नदियां बनकर बहती हैं, गलियां अभी नदियां बनकर, गलियां अभी नदियां बनकर बहती हैं, कागज की हम नाव बहाना भूल गए, भूल गए, हम अपने पुरखों का जमाना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए। ये शेर दुआओं के साथ प्लस फरमाए, स्वागत है स्वागत। बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बीवी की फरमाइश पूरी करने में, बीवी की बीवी की फरमाइश
ख्वाहिश पूरी करने में बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए, बूढ़ी माँ का चश्मा लाना भूल गए। बच्चे अब तो, बच्चे अब तो इंग्लिश पोयम रटने में, बच्चे अब तो, बच्चे अब तो, बच्चे अब तो इंग्लिश पोयम रटने में अपने वतन का कौमी तराना भूल गए, भूल गए, भूल गए। मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग अहमद, मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग अहमद, मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद के चक्कर में लोग अहमद, राम खुदा को दिल में बसाना भूल गए, भूल गए। हम अपने पुरखों का जमाना भूल गए, मेहमानों को घर पे बुलाना भूल गए।